हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसके ऑथर हैं आर के लक्ष्मण। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। वन नाइट महेंद्र वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। अब इस स्टोरी में क्या है कि एक रात को महेंद्र जो है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, वो अचानक से उठता है, उसकी जाग खुलती है और वो क्या देखता है, एक काला सा वहाँ पर साया देखता है, एक परछाई जैसे। ही ब्रोक आउट इन टू अ कोल्ड स्वेट, वॉज इट अ घोस्ट। और वो अचानक से इसकी वजह से कंपकपी सी लग जाती है उसको, यानी कि एकदम से भोचका सा रह जाता है वो। तो क्या वो एक घोस्ट था, एक भूत था? तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। अब ये स्टोरी है वो किसे नरेट की जा रही है, किसको बताई जा रही है? गणेश को। और गणेश को बता कौन रहा है? महेंद्र बता रहा है गणेश को। यानी कि ये स्टोरी नरेट करेंगे महेंद्र, और नरेट करेंगे किसको? गणेश को। और इस स्टोरी के बीच में ईश्वरन के बारे में है, जो इनका कलिक था महेंद्र का, उसके बारे में पूरी स्टोरी है। सो दिस स्टोरी, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। तो महेंद्र इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और बता किसको रहे हैं? गणेश को। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड और हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स लाइक फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। अब महेंद्र जो था वो एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर। और इस कंपनी का काम क्या था? सुपरवाइजर्स को हायर करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अपने काम के लिए हायर करना, जैसे चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे बड़े बड़े ब्रिज हैं, डैम है, या उससे रिलेटेड थिंग्स, उन पर काम के लिए हायर करना। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। अब महेंद्र का क्या काम था कि जो उसका वर्क साइट है, चाहे वो फैक्ट्री है, ब्रिज है, डैम है, जहाँ भी उसको काम लगाया गया है, वहाँ पर उसको नज़र रखनी होती थी, जो वर्कर्स है उन पर एक आंख रखनी होती थी, यानी कि नज़र रखनी होती थी। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। अब उसे क्या है, जगह जगह बार बार मूव करना होता था, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था, जहाँ भी उसका हेड ऑफिस उसे भेजता था वहाँ उसे जाना पड़ता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, चाहे वो कोल माइनिंग यानी कोयले की खदान से रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन की साइट है वहाँ पर, या फिर फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, या फिर वो हो सकती है एक केमिकल प्लांट पर भी इसे बाद में शिफ्ट कर दिया था, और इसी तरह अलग जगहों पर भी आगे इसे शिफ्ट करते रहते थे उसके कंपनी वाले। ही वॉज अ बैचलर। अब वो क्या था, एक बैचलर था, यानी कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। His needs were simple and he was able to adjust himself through all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. अब वो एक bachelor था और उसकी काफ़ी ज़्यादा needs नहीं थी, वो खुद को किसी भी अजीब सी condition में भी adjust कर लेता था, चाहे वो एक ill-equipped यानी कि unnecessary था, ill-equipped या फिर unsuitable, जो कि पूरी तरह से यूज़ करने लायक भी नहीं है, उस सर्किट हाउस में भी रह सकता था, या फिर मेकशिफ्ट कैनवास टेंट यानी कि एक टेम्प्रेरी बनाया हुआ कैनवास का कैंट होता है जो, उसमें भी रह सकता था, चाहे वो कैनवास कैंट उसे स्टोन क्वेरी के बीच में भी क्यों ना लगाना पड़े, यानी कि जो खदानें होती हैं स्टोन की उसके बीच में भी क्यों ना लगाना पड़े। यहाँ पर एक वर्ड आया है मेकशिफ्ट, मेकशिफ्ट का मीनिंग होता है टेम्प्रेरी। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। लेकिन उसके पास एक कीमती चीज़ थी, और वो क्या थी? उसका कुक। असेट का मीनिंग होता है कीमती चीज़। और वो कुक का नाम क्या था? ईश्वरन। यानी कि अब ये जो आगे की स्टोरी आएगी वो पूरी ईश्वरन के बारे में ही बताएगा महेंद्र। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। अब वो जो कुक था वो महेंद्र से काफ़ी ज़्यादा अटैच था,
और इसीलिए वो बिना कंप्लेन किए ही उसको फॉलो करता रहता था, चाहे उसका ट्रांसफ़र कहीं पर भी किया जाए या उसको कहीं पर भी पोस्ट दी जाए। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, अब वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को उसी के साथ बातें करता रहता था लगभग। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, अब वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ गढ़ता रहता था। स्टोरीज वीव का मीनिंग होता है गढ़ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज गढ़ता रहता था, और एनेक्डोट्स का मीनिंग होता है शॉर्ट स्टोरी, और अलग अलग टाइप की शॉर्ट स्टोरीज क्रिएट करता रहता था। ये करता कौन था क्रिएट, ईश्वरन। सो ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इन्ग्रीडियंट्स, अब ईश्वरन के पास क्या थी, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कला थी, एक कैपेसिटी थी कि वो वेजिटेबल्स और कुकिंग इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से पका सकता है या उसे ग्रो कर सकता है, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, चाहे वो जगह कैसी भी हो, इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप, चाहे वो लैंडस्केप यानी कि वो जगह जो है वो पूरी तरह से लोनली हो, सुनसान हो, डिसोलेट का मीनिंग होता है खाली जगह, लोनली प्लेस, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, और जहाँ पर दूरी दूरी तक कोई भी शॉप ना हो। ही वुड मिरेकल्सली कंजोर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, और वो क्या है, अपने मालिक के आने के कुछ समय बाद तक ही सभी चीज़ों को अच्छे से डिलीशियस डिशेज जो है वो बना लेता था फ्रेश वेजिटेबल्स से, और जहाँ कहाँ पर बनाता था, जहाँ पर उनका नया वर्क प्लेस था एक जिंक शीट की शेल्टर के अंदर, तो वहाँ पर वो कुछ ही देरी में लगभग घंटे भर में ही उन सारी चीज़ों को अच्छे से बना लेता था। यहाँ पर एक वर्ड आया था अभी, कंजोर अप, कंजोर अप का मीनिंग है क्रिएट करना, अचानक से उत्पन्न करना। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, अब महेंद्र जो है वो जल्दी उठ जाता था सुबह, और नाश्ता करने के बाद ही वो काम पर चला जाता था, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और साथ में कुछ नाश्ता भी लेकर जाता था वो अपने साथ। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और उसके जाने के बाद ईश्वरन क्या करता था, उसको शेड को है जहाँ पर वो रह रहे थे उसे क्लीन कर देता था, टाइडी अप यानी कि उसकी अच्छे से सफाई कर देता था, क्लीन कर देता था, वॉश द क्लोथ्स, वहाँ कपड़े भी धो देता था, एंड हैव ए लेजरली बाथ, और उसके बाद क्या है, कम्फर्टेबल सी, एक मतलब धीमे धीमे से आराम से अच्छे से अपनी बाथ लेता था, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने सिर पर काफ़ी ज़्यादा बाल्टियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उड़ेलता था, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और तभी नहाते टाइम ही जब वो ये बाल्टियाँ उड़ेलता था अपने ऊपर, तभी वो क्या है धीरे धीरे अपने मन में एक प्रेयर बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक क्या है लंच टाइम हो जाता था, यानी कि दोपहर के खाने का टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और उसके बाद जब वो खाना खा लेता था तब वो क्या है ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, तो वो क्या है काफ़ी देर तक लगभग पढ़ता रहता था सोने से पहले। डोजिंग ऑफ का मीनिंग होता है आराम से झपकी लेना है अचानक से। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग थ्रू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और जो बुक वो पढ़ता था वो तमिल की एक थ्रिलर स्टोरी की बुक थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लगभग हजारों पेज थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिशेज वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, तो तब क्या हो जाता था ईश्वरन जब ये स्टोरियाँ पढ़ता था तो इसमें जो इमेजिनेशन इसकी जो थी ईश्वरन की और जो कहानियाँ गढ़ने की जो क्षमता थी वो एकदम से डेवलप करता था, उसमें काफी ज्यादा खो जाता था, मतलब मन में ही सोचता रहता था ये। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और इसके जो descriptions है यानी कि ये जो कहानियां गढ़ता था ये भी काफी ज्यादा क्रिएटिव कैसे बनी, जब वो तमिल बुक्स पढ़ता था काफी सारे ऑथर्स की तो उसकी वजह से भी इसकी कहानियां क्रिएटिव बनी। When he was narrating even the smallest of incidents he would try to work in suspense and a surprise ending into the account, और इसकी एक खास बात क्या थी कि जब भी ये छोटी से छोटी बात को भी बताता था, कहानी को भी बताता था, तो ये उसमें भी काफ़ी थ्रिल, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस ले आता था और उसकी एंडिंग को एक सरप्राइज एंडिंग बना देता था, यानी कि उस अकाउंट को, उस स्टोरी को एक बहुत ही सरप्राइज एंडिंग में ले आता था।
For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, अब एक बार की बात, ये example दे रहा है इसमें महेंद्र कि अगर उसको कहना होगा कि उसने रास्ते में गिरा हुआ पेड़ देखा हाईवे पर, तो वो बोलने के बजाय वो क्या कहता है, विद आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, वो उसके बदले में क्या करता है, अपनी आंखों को, जो आंखों के ऊपर की आईब्रोज हैं उन्हें अच्छे से आर्क ले आता है, उनमें अच्छे से एक मतलब गोलाई सी ले आता है आंखों पर, अच्छे से एक्सप्रेशन ले आता है और एक ड्रामेटिक वे में आकर कहता है, कहेगा मतलब कि रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, कि जो रोड थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक खाली थी और मैं भी उस टाइम अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बशी बीट्स लाइंग स्पैरल्ड अक्रॉस द रोड, और फिर क्या कह रहा है ये कि तभी मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी वहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और लगभग एक प्लांट की तरह सी दिख रही थी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी वहाँ पर ज़मीन पर रोड पर गिरी हुई पड़ी थी। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, और तभी जैसे ही मैं हल्का सा मुड़ के और पीछे की तरफ मुड़ता, बट एज आई केम क्लोजर आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, लेकिन तभी जब मैं अचानक से पास में गया तो मैंने क्या देखा कि एक ट्री है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट महेंद्र वुड स्ट्रेच हिम बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स इन क्रिटिकली, और तभी वो क्या कहता है कि मैंने एक पेड़ को वहाँ पर देखा पड़े हुए जिसकी ब्रांचेज जो है वो चारों तरफ खिलरी हुई थी, तो महेंद्र क्या कहता है कि मैं उसकी कहानियों में इतना खो जाता हूँ, फिर आराम से मैं अपनी कैनवास वाली चेयर पे, जो स्विंगिंग चेयर है उस पे बैक में आराम से स्ट्रेच करता हूँ और ईश्वरन की जो टेल्स हैं उन्हें अच्छे से सुनता रहता हूँ पूरे मन लगा कर। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, अब ईश्वरन ये स्टोरी बता रहा है, ये एक स्टोरी बता रहा है महेंद्र को ईश्वरन, यानी कि जैसे अब महेंद्र नरेट कर रहा था इस स्टोरी में, तो महेंद्र बता रहा है कि ईश्वरन कैसे स्टोरी नरेट करता था, तो यहाँ पर ईश्वरन बता रहा है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है, किस वजह से फेमस है, टिम्बर के लिए, यानी कि वहाँ पर लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं, लकड़ियों का बिजनेस वहाँ पर काफ़ी होता है। ईश्वरन वुड बिगन, ईश्वरन इस तरह से स्टार्ट करता है, देयर इज़ अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहाँ पर क्या है काफ़ी ज़्यादा लकड़ियों वाला जंगल है घना, द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और वहाँ पर जो लकड़ी के पीसेस हैं वो हाथी एकदम से अचानक से घसीटते रहते हैं, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्हें पोषण मिला हुआ है अच्छे से, वैन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महोत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, और जब वो अचानक से मुड़ते हैं हाथी एकदम से, तो जो महोत है वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। अब यहाँ पर एक वर्ड आया महोत, महोत क्या होता है, ए पर्सन हु ड्राइव्स ट्रेन्स एंड लुक आफ्टर एलिफेंट्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि एलिफेंट्स की देखरेख करता है और उन्हें अच्छे से ट्रेन करता है, उनकी देखभाल करता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और जैसे ही वो इसका इंट्रो देता है, यानी कि प्रोलॉग का मीनिंग है इंट्रोडक्ट करना, यानी कि ये अपना इंट्रोडक्ट देने के बाद ईश्वरन क्या करता है, एक अजीब सी कहानी ले आता है बीच में, इलेबोरेट करता है उस कहानी को, लॉन्च करता है अच्छे से, जो कि एलिफेंट्स की होती है, इन्वॉल्व करता है एलिफेंट्स को, और वो स्टोरी क्या है, वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगन टू रोम अबाउट, एक दिन क्या होता है, एक टस्कर एक लगभग एनिमल हाथी होता है, तो वो हाथी क्या है अपने बाड़े में से बाहर आ जाता है, टिम्बर यार्ड यानी कि वो उसका जो बाड़ा है वहाँ से बाहर आ जाता है और इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, रोम का मीनिंग होता है वांडर करना यानी कि घूमना, स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, वो जो वहाँ पर शाखाएं होती हैं पेड़ की उन पर निशान डालता रहता है इधर उधर, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और तब वो क्या करता है कि जो शाखाएं हैं पेड़ की क्रीपर्स हैं उन्हें खींचता रहता है और उन्हें निकाल के और इधर उधर फेंकता रहता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, क्या आपको पता है सर कि कोई हाथी अगर पागल हो जाए तो वो किस तरह से बिहेव करता है, ईश्वरन वुड गेट सो कैच अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट,
और ईश्वरन अपनी स्टोरी बताने में इतना ज़्यादा इस तरह बिजी हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है कि वो बीच में ही खड़ा होकर खुद ही फ्लोर पर ज़ोर ज़ोर से जंप करने लग जाता है, ज़ोर ज़ोर से स्टैंपिंग करने लग जाता है, यानी कि वहाँ पर निशान लगाने लग जाता है उछल उछल कर, और खुद ही एक पागल हाथी की तरह बिहेव करने लग जाता है, यानी कि उसकी नकल उतारने लग जाता है। एम्यूलेशन वर्ड है यहाँ पर, एम्यूलेशन का मीनिंग होता है कॉपी करना, यानी कि नकल उतारना। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। अब जो एलिफेंट है वो कहाँ, शहर के बाहर के एरिया में आ जाता है, आउटस्कर्ट यानी कि शहर के बाहर का एरिया। ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक मैस्टिक्स, और वो वहाँ पर जो बाड़े या घेरे बने होते हैं, फेंसेज यानी कि बाड़े या फिर घेरे होते हैं, जो बड़े बड़े लैंड होते हैं एनिमल्स को कवर करने के लिए रखे होते हैं वहाँ पर, उनको तोड़ देता है। उनको किस तरह तोड़ता है, वो मैच स्टिक्स की तरह ही तोड़ देता है वो हाथी। ही वुड कंटिन्यू, वो इस तरह से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है ईश्वरन। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स। और तब वो बताता है कि तभी वो हाथी क्या है, अचानक से मेन रोड पर आ जाता है और जो भी फ्रूट की स्टॉल्स लगी होती हैं वहाँ पर, जो मिट्टी वाले बर्तन बेचने वाले लगे होते हैं, फिर क्लॉथ्स वाले, उन सभी स्टॉल्स को क्या है, उथल पुथल कर देता है। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और जो वहाँ पर लोग होते हैं वो अचानक से डर की वजह से इधर उधर हड़बड़ी में भागने लग जाते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब वो जो हाथी है वो अचानक से एकदम से ही एक स्कूल में घुस जाता है जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं ग्राउंड में। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल्स, और वो वहाँ पर कैसे घुसता है, वहाँ पर जो ईंटों की दीवार होती है उसे तोड़कर अंदर घुसता है। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट। अब सभी लड़के क्या करते हैं कि वहाँ पर जो क्लासरूम्स होती हैं उनमें चल जाते हैं वाकई, और वहाँ के डोर्स अचानक से बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट। अब वो जो हाथी है वो अचानक से जोर से गुरगुराता है, यानी कि आवाज़ ही निकालता है, और इधर उधर वांडर करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पॉट्स। अब वो फुटबॉल के जो गोल पॉट्स होते हैं यानी कि जहाँ फुटबॉल खेली जाती है उस एरिया को भी ख़राब कर देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, जो वॉलीबॉल खेलने वाली नेट होती है उसे भी ख़राब कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और जो पानी के लिए वहाँ ड्रम रखे होते हैं उन्हें भी जोर से टांगे मारकर और फ्लैट कर देता है, यानी कि नीचे गिरा देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और वहाँ पर जो श्रब्स वगैरह पड़े होते हैं उन्हें भी सारा बिल्कुल एकदम से इधर उधर से उछाल के मतलब हवा में उछालने लग जाता है। मीन वाइल और द टीचर्स हैड क्लाइम्ब अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। और तभी क्या है, जो सारे टीचर्स हैं वो ऊपर स्कूल के जो टेरेस है यानी कि स्कूल की जो ऊपर ऊपर वाली बिल्डिंग है, छत है, उस पर चले जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रीडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से वो क्या है, टेरेस से बिना हेल्पलेसली मतलब बिना किसी हेल्प के वो उस एलिफेंट जो वहाँ पर डेप्रीडेशन कर रहा है, वहाँ पर जो भी विनाश कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उसे देखते रहते हैं। डेप्रीडेशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और वहाँ पर कोई भी सोल यानी कि इंसान वगैरह कोई भी जान नहीं होती ग्राउंड पर। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, और जो गलियाँ हैं वो इस तरह से खाली हो जाती हैं कि जैसे वहाँ पर अचानक से कुछ हो गया हो और वहाँ पर घूमने वाला अब एंटायर टाइम में कोई भी नहीं है, इस तरह से खाली हो जाती हैं, अचानक से सारा कुछ गायब हो जाता है स्ट्रीट से। I was studying in the junior class at that time. अब ईश्वरन बता रहा है कि मैं उस टाइम उसी स्कूल में जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड was watching the whole drama from the rooftop. और मैं बिल्कुल ऊपर छत के ऊपर की तरफ से ये सारा ड्रामा देखे जा रहा था। I don't know what came over me suddenly. और मुझे नहीं पता कि मुझे अचानक क्या हुआ। I grabbed a can from the hands of one of the teachers. और मैंने तभी एक कैन या फिर एक लकड़ी जैसी कोई भी चीज़ अपने टीचर्स के हाथ से खींची। एंड रन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन, और तभी मैं सीढ़ियों से अचानक से नीचे गया और जो ओपन यार्ड था जहाँ पर हाथी था वहाँ पर चला गया उस एरिया में। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स टंग, और तभी क्या है, एलिफेंट जो है वो ग्रंट करता है यानी कि जोर से बहुत तेज आवाज़ निकालता है वहाँ पर
और मिनाकिंगली यानी कि बुरे तरीके से उसे हवा में उछालता है, उस ब्रांच को, उस ट्री की ब्रांच को जो कि उसने अपनी ट्रंक में यानी कि अपनी आगे वाले एरिया में रखी होती है। इट्स स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और वो अपने पैरों की तरफ इसे फेंकता है और वहाँ पर तभी क्या है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और धूल सी उड़ने लग जाती है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और तब वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा डरावना सा लगने लग जाता है। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं क्या है उसकी तरफ धीरे धीरे जाता हूँ, स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में क्या होती है, एक स्टिक होती है, ये ईश्वरन बता रहा है। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, और लोग ये सारा तमाशा जो है वो बिना हिले डुले अपने छतों से देख रहे हैं, अपने घर के टॉप से देख रहे हैं। द एलिफेंट लुकड एट मी रेड आइड, और तभी वो एलिफेंट क्या है, मुझे लाल आंखों से देखता है एकदम, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और अचानक से मेरी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और तभी क्या है वो अपने जो ट्रंक है उसे अचानक से मेरी तरफ लिफ्ट करता है और एकदम से जोर से आवाज़ें निकालने लग जाता है। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, तभी क्या है मैं भी आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैं क्या है अपनी पूरी जो ताकत है उसे इकट्ठा करके उसकी तरफ लगाने लग जाता हूँ। मस्टरिंग यहाँ पर वर्ड है, मस्टरिंग का क्या मीनिंग होता है, टू फाइंड एज मच सपोर्ट एज यू कैन, यानी कि उतनी ताकत जितनी आप बटोर सकते हो एक टाइम पर, इकट्ठा कर सकते हो वो सारी लगा देना। वैक्ट, वैक्ट का क्या मीनिंग होता है, टू हिट समबडी हार्ड, यानी कि किसी भी चीज़ पर या किसी भी इंसान को एकदम से बुरी तरह से धक्का मारना है, चोट करना है उसकी तरफ। वैग्ड इज थर्ड स्टोनल ऑन द क्विक, और तभी क्या है मैं जल्दी जल्दी में उसके पैर का जो तीसरा नाखून है उस पर एकदम जोर से प्रहार करता हूँ, चोट करता हूँ। टोएनेल होता है पैर का नाखून या पैर की अंगली का नाखून। द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर अ मोमेंट, और तभी क्या है वो जानवर जो है वो एकदम से बौचक्का रह जाता है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और तभी क्या है वो एकदम से कांपने लग जाता है, बिल्कुल शरीर उसका, हाथों से पैरों तक, सिर से पैर तक, एंड कोलैप्स, और तभी क्या है वो अचानक से गिर जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और तभी क्या है ईश्वरन अचानक से वो स्टोरी बीच में ही छोड़ देता है। एंड गेट अप मम्बलिंग, और एकदम से बड़बड़ाते हुए वहाँ से खड़ा होता है। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, और तब वो वहाँ से क्या कहकर जाता है कि मैं अभी गैस जलाता हूँ और एकदम खाना वगैरह बनाकर तैयार करके, और फिर तब बाद में स्टोरी को देखते हैं, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और महेंद्र जो है वो अपनी रैप्ट टेंशन से यानी कि अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे वो स्टोरी को सुन रहा होता है, वो वहाँ बैठा ही रह जाता है बिल्कुल। व्हेन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और जब वो वापस आता है खाना वगैरह बनाकर तब उसे स्टोरी का कुछ ध्यान ही नहीं रहता, यानी कि वो स्टोरी की बात ही नहीं करता। तो महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, तभी क्या होता है कि महेंद्र उसे याद दिलाता है कि अभी स्टोरी की एंड तो पड़ी है यार, तुमने अभी कंक्लूजन तो बताया ही नहीं मुझे। वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समॉन्ड टू रिवाइव द एनिमल, अब फिर दोबारा से ईश्वरन ये स्टोरी स्टार्ट करता है और बताता है कि तब क्या होता है जब वो बेहोश हो जाता है तो उसे एक वेटरनरी डॉक्टर को समॉन्ड किया जाता है, यानी एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया जाता है वहाँ पर टू रिवाइव द एनिमल, यानी कि उस एनिमल को जगाने के लिए। रिवाइव का मीनिंग होता है टू बिकम और मेक समबडी हेल्थी अगेन, यानी कि उसको अच्छे से दोबारा से रिकवर करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और तभी क्या है ईश्वरन अपने शोल्डर्स को ऐसे एकदम से श्रग करते हुए, एकदम से ऊपर करते हुए ये बात कहता है। टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महोर टू द जंगल, और अपने कंधों को ऊपर करते हुए ये बात कहता है कि 2 दिन बाद क्या होता है इसका जो महोत होता है यानी कि जो इनकी केयर करता है एलिफेंट्स वगैरह की, वो इसे वापस जंगल में ले जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, और तब महेंद्र उससे पूछता है कि तुमने ये सब मैनेज कैसे किया ईश्वरन, तुमने उसे बीस्ट को यानी कि उस जानवर को कैसे गिराया नीचे एकदम से। इट हैज़ समथिंग टू डू विद जैपनीज आर्ट,
तब ईश्वरन कहता है कि शायद ये जैपनीज आर्ट था, उसी की वजह से हुआ है। आई थिंक सर कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड, कि सर जो कराटे या फिर जुजित्सु एक गेम होता है जैपनीज आर्ट का, तो उसी की वजह से शायद मैंने वो सीखा था, तो उसी की वजह से पॉसिबल हुआ। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, ये क्या होता है कि एकदम से मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है बॉडी का, उसे एकदम से पैरालाइज कर देता है कुछ देर के लिए, जैसे अभी आपने देखा। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। और अब एक आधा दिन भी ज़्यादा पास नहीं हुआ था कि ईश्वरन ने दोबारा से कोई ना कोई स्टोरी कंटिन्यू की, यानी कि क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसमें एडवेंचर भी था, हॉरर भी था और सस्पेंस, तीनों ही चीज़ें थी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो स्टोरी सच्ची हो या मनगढ़ंत हो, महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू द इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्र जो है वो इस स्टोरी को सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि ये इनिमिटेबल वे में, यानी कि एक यूनिक वे में, अनोखे तरीके से बताता था ईश्वरन उसे, अच्छे से मतलब मसाला वगैरह लगा के स्टोरी बताता था, तो इसलिए महेंद्र भी उसको सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अब फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। अब जो ईश्वरन था वो एक मतलब टीवी से कम नहीं था, यानी कि टीवी की कमी रहने नहीं देता था महेंद्र के लिए, क्योंकि महेंद्र जिस क्वार्टर में रहता था उसमें टीवी तो था नहीं, तो वो ईश्वरन है वो टीवी की कमी कभी होने देता था, अपनी स्टोरी से उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दे देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड। अब एक दिन क्या होता है जब महेंद्र नाश्ता कर रहा होता है, तब ईश्वरन पूछता है कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, कि क्या आज मैं नाश्ते में कुछ मतलब डिनर में कुछ स्पेशल बनाऊं, आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज तो काफ़ी ज़्यादा शुभ दिन है, काफ़ी ज़्यादा पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टूडे सर। और जैसे अगर ट्रेडिशंस को माने तो क्या होता है सर, इस दिन हम क्या है डिलीशियस डिलीशियस फूड बनाते हैं, और अपने जो एंसेस्टर्स हैं, यानी कि जो पूर्वज हैं हमारे जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी याद में हम लोगों को फीड करवाते हैं अच्छा अच्छा खाना। जैसे वो आपको इंडियन के अकॉर्डिंगली बता दूँ, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली, तो इन्हें बोलते हैं श्राद्ध, जिसमें कि वो जो पितर होते हैं या फिर पूर्वज होते हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी पर खाना बनाया जाता है, या फिर वो लोगों में बांटा जाता है, तो इसलिए ऑस्पिशियस डे था। दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। और उस रात क्या होता है, महेंद्र को वो खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस डिनर मिल जाता है, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करता है, और ईश्वरन को उसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी देता है उसके जो क्यूलिनरी स्किल है, यानी कि उसके जो खाना बनाने के स्किल्स हैं उसके लिए उसे अप्रिशिएट करता है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। अब वो इसी में अभी खोया ही होता है महेंद्र, तो अचानक से तभी क्या होता है कि ईश्वरन जो है वो अपनी एक अजीब सी, यानी कि भड़कदार सी स्टोरी, वल्गर सी स्टोरी ले आता है, यानी कि उसमें इन्वॉल्व कर देता है बातों के बीच में ही। और वो स्टोरी क्या होती है, अब आएगी। यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। कि सर क्या आप जानते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरी फैक्ट्री जिसमें हम रह रहे हैं, ये पहले एक ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था, यानी कि पहले यहाँ पर फ्यूनरल्स जो हैं उन्हें दबाया जाता था, जो मरे हुए लोग हैं उन्हें यहाँ पर दबाया जाता था। इस तरह से वो स्टार्ट करता है अपनी स्टोरी। महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अब महेंद्र जो है वो अचानक से बाहर आ जाता है। जग्ड आउट का मीनिंग होता है झटके से एकदम से बाहर आ जाता है, जो भी वो डे ड्रीम ले रहा होता है, रेवरी कर रहा होता है, यानी कि डे ड्रीम ले रहा होता है, अपने ख्यालों में खोया होता है। अच्छा सा सेटिस्फाइंग मील मिलने के बाद वो ख्यालों में खोया होता है, तो अचानक से वो बाहर आ जाता है उनसे। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ वेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ।
और ईश्वरन अब क्या कह रहा है कि पहले दिन जब हम यहाँ पर आए थे तब मैंने वहाँ पर रास्ते में ह्यूमन स्कल यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका स्कल देखा था, उसका कंकाल देखा था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और तभी वो कहानी को कंटिन्यू करते हुए ईश्वरन कहते हैं कि उसके बाद से तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कंकाल वगैरह यहाँ पर देख लिए हैं। और यहाँ पर ये देखिए वो है कि यहाँ पर ये जा रहा है और यहाँ पर ये कंकाल पड़े हैं रास्ते में। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सो गोस्ट एट नाइट। अब वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है, स्टोरी को नरेट करते हुए कहता है कि उसने भी कई बार रात को गोस्ट देखे हुए, भूत देखे हुए हैं। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स। और ईश्वरन कहता है कि मैं इन चीज़ों से लगभग तो डरता नहीं हूँ सर, आई एम ए ब्रेव फेलो, क्योंकि मैं एक बहुत ही बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपियर सो फेंट ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन एक बार क्या हुआ था, एक औरत का भूत आ गया था मेरे सामने बिल्कुल आधी रात को, जब पूरा चांद था और आधी रात थी, लगभग 12 बजे का समय था, तभी अचानक से एक भूत आ गया था मेरे आगे। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड श्रिवर्ड फेस। वो काफ़ी अजीब सा क्रिएचर था और उसके भद्दे से बाल थे और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब झुर्रीदार फेस था। श्रीवर्ल्ड का मीनिंग होता है झुर्रियों से भरा हुआ फेस जो होता है, रिंकल्ड फेस यानी कि रिंकल्स जो बहुत होते हैं जिस फेस में, तो इस तरह का फेस था। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म, जैसे कि एक कंकाल सा हो और उसने अपने हाथ में कोई छोटा सा बच्चा अपने हाथों में पकड़ रखा हो। यहाँ पर फोइटस का मीनिंग आया है बच्चे को पकड़ के रखने के लिए, लेकिन एक्चुअल में फोइटस का मीनिंग होता है जो गर्भ में होता है जो बच्चा, उसके लिए फोइटस यूज किया जाता है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। अब महेंद्र को तभी कंपकपी सी लग जाती है वो सुनते हुए, और तभी वो उसे इंटरप्ट करते हुए एकदम से बोलता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, कि क्या तुम पागल हो गए हो, देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स। ये यहाँ पर ये भूत जैसी और कंकाल जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये जो तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं तुम्हारी इमेजिनेशन की। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करवाओ भाई, एंड मे बी योर हेड एज वेल एज, और अगर हो सके तो अपना दिमाग भी चेक करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि तुम पागलों जैसी सी बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। और तभी क्या है वो तभी अचानक से एकदम से कमरा छोड़कर चल जाता है उस रात को, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। और ये सोचते हुए वो वहाँ से जाता है कि ईश्वरन अब कुछ दिन मुझसे बात नहीं करेगा, मतलब मेरे से नाराज़ रहेगा और इस तरह की कहानियाँ नहीं सुनाएगा। बट ना नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टाकेटिव एज एवर। लेकिन अगले दिन क्या होता है कि वो सरप्राइज हो जाता है ये चीज़ देख कर कि उसका जो कुक है ईश्वरन वो तो काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल है अभी भी, और जैसे बात करता है वैसे ही बात कर रहा है नॉर्मली। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। और उसी दिन से क्या होता है महेंद्र के साथ क्या होता है कि वो वैसे तो हमेशा बहादुरी की बातें करता रहता है, लेकिन अब वो जब भी बेड की तरफ जाता है तो उसे अनकंफर्टेबल सा फील होता है, अनईज यानी कि अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, बेचैनी सी होती है। एवरी नाइट ही पीयर्ड इन टू द डार्कनेस। हर एक रात को वो क्या करता था, डार्कनेस की तरफ यानी कि जो अंधेरा होता था उसकी तरफ एकदम से झांकता रहता था, थ्रू द विंडो टू हिज बेड, अपने बेड से विंडो की तरफ झांकता रहता था अंधेरे में, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, कि आस पड़ोस में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही किसी डार्क शेप की, ये देखने के लिए। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसे वहाँ पर समुद्र की जो लहरें और अंधेरा वगैरह या फिर फैक्ट्री से जो लाइट्स आ रही होती थी चमकती, उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था उसे। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स। अब महेंद्र जो है उसको काफ़ी ज़्यादा शौक था कि जब पूरा चांद होता था तो उसमें जो पूरे चांद की रोशनी होती थी मिल्क वाइट सी, उसे देखने को काफ़ी अच्छा लगती थी। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, लेकिन जब ईश्वरन ने उसे फीमेल गोस्ट की स्टोरी सुनाई, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब से ईश्वरन ने उसे स्टोरी सुनाई तब से उसने क्या कर दिया,
विंडो से जब बाहर देखना ही बंद कर दिया, मतलब इस तरह से जब भी पूरा चांद होता था तब विंडो से बाहर देखना ही बंद कर दिया। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। और एक रात को क्या होता है, महेंद्र जो है वो अचानक से हल्की सी आवाज़ से उठ जाता है, अचानक से जो विंडो से आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर एक वर्ड आया मौन, मौन का मीनिंग होता है अ लो साउंड, यानी कि बिल्कुल हल्की सी आवाज़। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉवलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसे क्या लगता है कि एक बिल्ली जो है वो चूहे को पकड़ने के लिए प्रॉवलिंग कर रही होगी, यानी धीरे धीरे इधर उधर मूवमेंट कर रही होगी। प्रॉवलिंग का मीनिंग होता है टू मूव अराउंड एन एरिया क्वाइटली, यानी कि दबे पांव किसी जगह पर हलचल करना। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन ये साउंड जो था ये एक कैट जैसा नहीं था, यानी कि जो कैट के गले से निकलने वाली आवाज़ होती है उस तरह की ये आवाज़ नहीं थी। गटरल का मीनिंग होता है जो गले से निकलने वाली आवाज़ होती है, तो ये उससे लगभग मैच नहीं कर रही थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू टू आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साई विच वुड स्टॉप हिज हर्ट। और तभी क्या वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता है, उसको रेजिस्ट करता है अपनी क्यूरियोसिटी को, कि अगर वो बाहर देखेगा तो क्या उसे अचानक सी सांस आएगी और क्या पता उस सांस से वो उसका हार्ट ही ना रुक जाए, काम करना बंद ही ना कर दे। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन तभी वो जो आवाज़ सी होती है वो ज़्यादा बड़ी सी होती जाती है, मतलब ज़्यादा होती जाती है, और लेस फेलाइन, यानी कि ये आवाज़ जो है वो बिल्ली की जैसी तो नहीं होती। फेलाइन का मीनिंग होता है लाइक अ कैट, तो ये आवाज़ बिल्ली की आवाज़ जैसी तो नहीं होती। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। और वो अपनी चाह को, यानी कि वहाँ बाहर देखने को काफ़ी टाइम तक रेजिस्ट नहीं कर सका, रिफ्यूज़ नहीं कर सका। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुकड आउट एट द वाइट शीट ऑफ द मूनलाइट आउटसाइड। और वो बाहर ज़्यादा तक देखने से रोक नहीं पाता, तो वो क्या करता है विंडो के किनारे पर आकर और बाहर की तरफ जो मूनलाइट होती है उसकी रोशनी में उसकी वाइट शील में जाकर देखता है। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। और वहाँ पर वो क्या चीज़ देखता है, काफ़ी ज़्यादा दूर ही नहीं, उसके मतलब लगभग नज़दीक ही वो एक काली सी क्लाउडी सी चीज़ देखता है, जो कि अपने हाथ में क्लचिंग ए बंडल, यानी कि अपने हाथ में काफ़ी जोर से अच्छे से एक ग्रिप बनाकर पकड़े हुए है किसी बंडल को, किसी चीज़ को। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। और महेंद्र को अचानक से झटका सा लगता है, कंप कंपी सी छूटती है और वो क्या है वापस आकर और पिल्लो पर लेट जाता है। पैंटिंग, पैंटिंग का मीनिंग होता है और जोर जोर से हांफने लगता है, टू ब्रीथ क्विकली। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्रिक एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। और तभी वो धीरे धीरे इससे बाहर आता है, इस चीज़ से रिकवर होता है। और ये वो कैसे रिकवर होता है, ये सोचकर कि ये जो सभी बातें हैं ये मेरे दिमाग का ही एक सबकॉन्शियसनेस होगी, मेरे दिमाग में ये सभी बातें चल रही होंगी, इस वजह से ही ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज नहीं। बाय द टाइम ही गॉट अप इन द मॉर्निंग। और तभी क्या वो अगली सुबह उठता है, हैड ए बाथ एंड केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। और तभी क्या वो नहाता है, फिर अपना नाश्ता वगैरह करता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। और तब क्या उसके दिमाग से जो पिछली रात के जो डरावना डरावनी सी बातें वो निकल जाती है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। और तभी क्या है ईश्वरन उसे ग्रीट करता है, यानी कि उसे बाय वगैरह बोलता है और उसे लंच पैकेट देते हुए और उसका बैग देते हुए। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीन्ड एट साइड। और जैसे ही महेंद्र बाहर की तरफ जाने लगता है तो ईश्वरन उसे हंसते हुए देखता है, यानी कि ग्रीन्ड, ग्रीन्ड का मीनिंग होता है टू गिव ए ब्रॉड स्माइल, एक काफ़ी बड़ी मुस्कुराहट देना, स्माइल करना। तो मुस्कुराते हुए बोलता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद अ फोइटस इन इट्स आर्म। कि सर आपको क्या याद है कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक फीमेल गोस्ट को मैंने देखा था और उसके वो एक कंकाल सी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा लगभग बच्चा सा था। यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। और तब आप मेरे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे इन चीज़ों को सोचने के बारे में लेकर। वेल यू सो हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन आपने रात को खुद ही उसे देखा,
आई केम अप रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। और मैंने रात को कराहने की आवाज़ भी सुनी जो आपके कमरे से आ रही थी, तब मैं दौड़ा हुआ आपके कमरे की तरफ आ रहा था। जब अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, और तभी क्या अचानक से महेंद्र को इस बारे में सुनकर एक अचानक से ठंड सी लगती है और झटका सा लगता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस, और तब क्या वो ईश्वरन को उसका सेंटेंस ही कम्प्लीट नहीं करने देता। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और तभी क्या वो अपने ऑफिस की तरफ जाता है और वहाँ के जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो उसे दे देता है, रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस एंड द वेरी नेक्स्ट डे। और तभी क्या है उसके बारे में ऑफिस में बात वगैरह करके और उस इशू को रिसॉल्व करता है और उस डरावनी जगह को अगले दिन छोड़कर चला जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसके ऑथर हैं आर.के. लक्ष्मण, और ये आपका मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 3 था क्लास 9th का। तो उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बता भी दीजिएगा कि आपको अगर कोई इससे दिक्कत है तो क्या है, और अगर अच्छी लगी है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके जो बाकी चैप्टर्स हैं उसे देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। सो थैंक यू।